हुई थी, किन मुद्दों को लेके हुई थी? राजद की बैठक में तय हुआ कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल और इसके सपोर्टर गांव-गांव में सब गरीब किसान मजदूर नौजवान दलित सब लोग इसको चुनौती के रूप में लिए हैं और 6 तारीख के जुटान करेंगे, जिसमें MLA MP भूतपूर्व अभूतपूर्व सब जुटेंगे, जिलाध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सब जुट करके और साल भर की रणनीति की तैयारी करेंगे और उसी भीषण जन संग्राम होगा आगे 2018 साल में लड़ करके हम चाहते हैं दोनों सरकारों को पछाड़ दें, गिरा दें। जी सर, जाती है तो हम लोग ज़्यादा एकजुट हो जाते हैं और इसको चुनौती के रूप में लेते हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हम लोग के पुरखा समाजवादी विचारक महान चिंतक ने कहा था, जिंदा कौम में 5 साल तक इंतजार नहीं करती, इसलिए 19-20 की प्रतीक्षा में हम नहीं हैं, हम इनको 18 में हिला डोला करके गिरा देंगे। आगे की कानूनी लड़ाई आप लोग किस तरह से लड़ेंगे? कानूनी लड़ाई तो लड़ी जा रही है, 3 तारीख के फैसला आना है, वो कितना करेंगे वो उसके बाद फिर हाईकोर्ट है आगे। बाहर इस तरह से जो है बाहर जनता की लड़ाई के हम लोग कमजोरी तो मूल राष्ट्रीय जनता दल की पैदाइश से हुई है, किसान मजदूर गरीब गरीब दलित वंचित के लिए, तो वो जिस बात के लिए हमारी पार्टी की पैदाइश है उसको हम कैसे भुला देंगे? और हमारा सब लोग और याद रखेंगे, चूँकि लालू जी जेल में चले गए तो हर कोई अपने को लालू यादव समझता है और लड़ाई को और तेज करने की इरादा रखता है। और उस जुटान में महसूस किया गया है अभी कि सन 2018 साल लड़ाई का साल और राष्ट्रीय जनता दल का साल होगा, उसमें गैर बराबरी के खिलाफ सामाजिक आर्थिक सब के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और यहाँ केंद्र और राज्य में जो षड्यंत्र करके दोनों बैठे हुए हैं और रंग बिरंग के तिक्रम करके नेता को जेल में फंसा दिया है और बूझते हैं कि गरीब दलित की लड़ाई में ये लोग कमज़ोर पड़ जाएगा, रास्ते में रह जाएगा, वैसा नहीं होने देंगे, लड़ाई को जारी रखेंगे, सभी किसान मजदूर नौजवान गरीब दलित अल्पसंख्यक पिछड़े अति पिछड़े सभी की लड़ाई हम लड़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कहाँ देने के लिए कितना आश्वासन दिया किसानों का, सब लोग संकट में है, धान नहीं बिक रहा है किसानों का, कहता जोड़ा दाम दे देंगे, वो बरोबरो दाम नहीं मिल रहा है। अभी ये माने शपथ होने वाला है क्या? उधर लीडर अपोजिशन है ही, तो लीडर अपोजिशन ही ना होता है मुख्यमंत्री की, दूसरा आदमी दरखास्त दिया है कोई, बीजेपी या जदयू के लोग बेचैन। अरे एक चीज़ राहुल गांधी को लेकर क्या लगता है, राहुल गांधी के साथ अब कांग्रेस के साथ अब साथ देगी? एकदम साथ है, हम लोग कांग्रेस है खाली, गैर भाजपा सभी को एकजुट करने के लिए हमारी योजना है और राष्ट्रीय विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और नरेंद्र मोदी को बीच में झमोड़ कर गिराया जाएगा। रहे जखनी कहेंगे लड़ देंगे, लेकिन अब तो हम हर कोई इस सोच के हैं कि भाई वो जेल में है, पार्टी को कमजोर नहीं होने देना है, एकजुट रखना है और आगे लड़ना है और ढीला नहीं करना है, अन्यथा ही भाजपा वाले की रणनीति सफल हो जाएगी, तो इसलिए भाजपा जदयू जो तालमेल किए हैं इनकी रणनीति को हम सफल नहीं होने देंगे, ये चुनौती के रूप में हमारे सभी लोगों ने लिया है। जनता की लड़ाई भी जारी है, दोनों लड़ाई में कहीं कोई कमजोरी नहीं होगी, कानूनविद लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और बाहरी सिपाही लोग यहाँ जो प्रखंड के अध्यक्ष सब लोग जुटेंगे और भीषण लड़ाई की तैयारी करेंगे। बीजेपी और जदयू कवायद लगा बैठी है कि लालू पर दो भाग में बट गई है, कैसे? आप ही लोग छापे हैं जो 7 बारी जेल जा चुके हैं, जब जब हम पर हमला होता है हम और ज़्यादा ताकत और एकजुटता दिखाते हैं और एकजुटता हो जाती है कि मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती लल्लाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं, तो जब जब हम पर हमला होता सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं कष्टों को गले लगाते हैं। लालू जी जेल में चले गए, हमारा हरेक कार्यकर्ता साथी समर्थक जनता समझ रहा है कि हम लालू यादव हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, कमजोर नहीं होने देना है, चूँकि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश दोनों मिल गए हैं,